कंगाल पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर राग अलापता रहता है। हाल ही में पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव कराए थे, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। इसके चलते पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारतीय उच्चायोग के एक शीर्ष राजनयिक को तलब कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल में संपन्न चुनावों पर भारत की टिप्पणियों को खारिज किया। पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत के प्रभारी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब कर भारत के विरोध को खारिज किया गया है और जम्मू कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान की भूमिका के बारे में बताया गया है। दरअसल भारत ने पीओके में 25 जुलाई को हुए चुनावों को खारिज कर दिया, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी ने जीत दर्ज की। भारत ने कहा कि बनावटी प्रक्रिया कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने का एक प्रयास है। साथ ही भारत ने इस पर कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनावों पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का इन भारतीय भूभागों पर कोई अधिकार नहीं है और अपने अवैध कब्जे के सभी भारतीय क्षेत्रों को उसे खाली कर देना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच जम्मू कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में 1948 से है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विवाद है। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंधों को कमतर किया और व्यापार स्थगित कर दिया था। भारत का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़ा ये मुद्दा पूरी तरह देश का अंदरूनी मामला है। हालांकि पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग अलापता रहता है। वहीं जिस पीओके में पाकिस्तान ने चुनाव कराए हैं, वहीं के लोग इससे खुश नहीं हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्हीं के क्षेत्र में बनी बिजली पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है, जबकि यहीं के लोगों को बिजली और गड्ढों रहित सड़क जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल पाती। हाल ही में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में नारे भी लगाए गए थे। पाकिस्तान की नापाक हरकत को भारत हर बार मुंहतोड़ जवाब देता है। हालांकि पीओके पर कब्जा करने का पाकिस्तान का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।